अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए ऐसे वक्त पर जब पूरे देश को एक साथ होकर इस वैक्सीन की प्रक्रिया पर मदद करनी चाहिए, इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करनी चाहिए, वहीं कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दल हैं वो क्यों ये कर रहे हैं कि भाई तीसरे दौर का ये अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, जो मानक हुए होंगे वो वैज्ञानिक पहली बार वैक्सीन बनाते हैं और जो मानक तय हैं दरअसल उन्हीं मानकों को परख कर ही ये वैक्सीन मार्केट में आ रही होगी या टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो रही होगी? देखिए ये बात सभी विपक्षी दलों को समझनी होगी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जितना वैक्सीन बनती है उसका 60% हिंदुस्तान में बनती है। हर साल हम 5.5 करोड़ महिलाएं और लगभग 20 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीन को लेकर के हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एक्सपर्ट की जो एक्सपर्टाइज है वो अनक्वेश्चनेबल है, दुनिया में कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग, जिनके मन में ये संदेह है कि तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, वो लोग वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं मानते? जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो जब कह रहे हैं सुरक्षित है, इमरजेंसी यूज हो सकती है, और अभी जब तक 16 तारीख से इसको लगना है, सबसे पहले इसको लगाया जाना है स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में स्वास्थ्य कर्मी हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो सेना के जवान हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, 3 करोड़ के आसपास, 2 से 3 करोड़ उनकी संख्या है, उनको लगाई जाएगी, और उसके बाद तब ये 50 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। तो अभी इतना वक्त इसमें है, तब तक तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा हो जाएगा, और दो फेज के ट्रायल में संतोषजनक नतीजे आए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, इसके बाद ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अनुमति दी है। तो विपक्ष के जो नेता सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो न सिर्फ वैज्ञानिकों की क्षमता, उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि एक बड़ी जनसंख्या को इस वैक्सीन को न लगवाने के लिए एक तरह से अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उकसा भी रहे हैं। रही आप साथ, देखिए 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो रहा है, और इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भारत जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। बकायदा उन्होंने एक ट्वीट की और लिखा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के माननीय मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अहम है। 16 जनवरी से कोरोना की